वंदे श्री प्रभु सद्गुरु गुणनिधि सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयं यत्सत्तावशेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वांछितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः सदाशिवसमारंभान् शंकराचार्यमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतं अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्बद्वा अनुसन्दधामि भगवतीं भगवद्गीता। इस वेदांत सप्ताह के अंतर्गत हम लोग यहाँ श्रीमद् भगवद्गीता के 17वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और ये जो 17वां अध्याय है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया, ये गीता के चरम षटक का अंग है। चरम षटक यानी क्या? अंतिम जो षटक है उसका अंग है। इस चरम षटक में 13वें अध्याय में, 14वें अध्याय में और 15वें अध्याय में आत्मस्वरूप का वर्णन करने के बाद उस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए जिस जीवन शैली की आवश्यकता होती है, उस जीवन शैली का उपदेश करने के लिए भगवान ने 16वां अध्याय और 17वां अध्याय कहा है। कल मैंने आपको बताया, अध्यात्म विद्या को छोड़कर बाकी जितने शास्त्र हैं उन शास्त्रों में प्रावीण्य संपादन करने के लिए किसी विशिष्ट जीवन शैली की आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसे ही खाना है, ऐसा ही पीना है, ऐसा ही रहना है, ऐसा कोई नियम नहीं। किसी भी तरह का आचरण करके आप गणित में, फिजिक्स में, बॉटनी में, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में आप गोल्ड मेडल पा सकते हैं, किंतु अध्यात्म विद्या में जो उसका चरम लक्ष्य है मोक्ष, उसकी प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट प्रकार की जीवन शैली, जिसको लाइफस्टाइल कहते हैं, वो लाइफस्टाइल का होना अत्यंत अनिवार्य है और इसलिए 16वां और 17वां अध्याय प्रवृत्त हुआ है। 16वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहा रहसे ही। तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है इसको समझने के लिए मनुष्य बुद्धि पर्याप्त नहीं है, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। आपको चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे, कई बार ऐसा होता है कि शास्त्र का जो विधान है वो हमको अच्छा नहीं लगता। सुबह उठो जल्दी और उठ के संध्या वंदन करो, गायत्री का जप करो, अच्छा नहीं लगता हमको। सुबह जल्दी उठने में क्या मतलब है? ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे रहो वैसे रहो, ये सब हमको अच्छा नहीं लगता, मगर वो शास्त्र की आज्ञा है। कभी कभी ऐसा होता है शास्त्र जो है, जो मत करो वो कहता है, वो करने की हमारी इच्छा होती, ये मत करो ऐसा शास्त्र ने कहा, सुरापान मत करो शास्त्र ने कहा। मनुष्य की प्रवृत्ति क्या होती है? शाम होते ही बेचैन हो जाता हो, है ना? तो शास्त्र की जो आज्ञा है वो उत्तम जीवन शैली, धार्मिक जीवन शैली के लिए शास्त्र की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। अब अर्जुन ने 17वें अध्याय के आरंभ में एक बड़ा पेचीदा प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा
अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा कृता कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा कि भगवान, उसने कहा कृष्ण, कृष्ण संबोधन का प्रयोग किया, कृष्ण यानी क्या, जो अपनी ओर खींचता है, दर्शति इति कृष्णः। तो हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र को नहीं जानते, प्रॉब्लम क्या है, शास्त्र ने अनेक आज्ञाएं दी हैं, अनेक प्रकार की बातें बताई हैं, किंतु हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम शास्त्र को जानते नहीं, किंतु हमारी श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा है पूजा करने में, उपासना करने में, जप करने में, पारायण करने में, प्रवचन सुनने में, कीर्तन करने में, भजन करने में हमारी श्रद्धा है। अब उस प्रवचन के लिए कैसे बैठे ये हम नहीं जाने, कीर्तन में किस तरह से बैठे हम नहीं जाने, भजन का आरंभ कैसे करें हमको नहीं मान, पूजा की विधि क्या है वो हमको नहीं मान, मगर वो पूजा करने की हमारी श्रद्धा। ऐसे लोगों की गति, उन लोगों की निष्ठा किस प्रकार की होती है, सात्विक उसको निष्ठा कहेंगे, उसको राजसिक कहेंगे या उसको तामसिक कहेंगे, ऐसा प्रश्न जो है अर्जुन ने कल भगवान से पूछा है। भगवान ने उत्तर दिया, भगवान ने क्या कहा, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां सुनो। भगवान ने कहा कि देहिनां सा स्वभावजा, देहियों के, देही यानी कौन, देही यानी हम सब जो देह को धारण करने वाले, देहिनां स्वभावजा, देहियों के स्वभाव के अनुसार उनकी श्रद्धा। कल मैंने स्वभाव की बात विस्तार पूर्वक बताई, हाँ स्वभाव की बात मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताई। तो त्रिविधा भवति श्रद्धा, ये श्रद्धा जो है तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार, कौन से प्रकार की, सात्विकी, राजसी, तीन प्रकार की श्रद्धा होती है, और ये श्रद्धा स्वभाव के अनुरूप होती है। वो व्यक्ति जो है जिस वातावरण में पैदा हुआ, जिस घर में रहा, जिस संस्कृति में पला बढ़ा, है ना, ऐसी उसकी श्रद्धा होती है, ठीक है। और भगवान ने कहा ताम सुनो, वो तुम सुनो, उससे सुनो, अब हमको क्या करना है, भगवान जो बताने वाले हैं उसको सुनना है। तो सुनने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम तीसरे श्लोक में। अब सबसे पहली बात यह है कि श्रद्धा यानी क्या, श्रद्धा यानी क्या, श्रद्धा शब्द का अर्थ है गुरु वेदांत वाक्येषु अत्यंत विश्वासो नाम श्रद्धा। गुरु और वेदांत में जो कहा गया है उन सत्यों के ऊपर अत्यंत विश्वास का नाम श्रद्धा है। अब श्रद्धा और विश्वास ये दो शब्द हैं, श्रद्धा और विश्वास सेम है क्या, नहीं। विश्वास और श्रद्धा सेम है क्या, नहीं। विश्वास में क्या है कि हम किसी बात की पड़ताल किए बिना, किसी बात की पड़ताल किए बिना उसके ऊपर हम विश्वास करते, जैसे क्या, महाराजाना गीता समझते, महाराजाना याची तुम्हें परीक्षा के लिए का, आपने जांच पड़ताल की क्या, नहीं की, नहीं की जांच पड़ताल आपने की नहीं, और उसके ऊपर आपने विश्वास कर, इसका नाम विश्वास। अब यही बात महाराजाना गीता समझते, इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, उसकी जांच पड़ताल करने के बाद जब आपको ये लगे हाँ है ना समझते गीता, वो क्या हो गया फिर, वो श्रद्धा। विश्वास में और श्रद्धा में फर्क है। आप बंबई से, पुणे से, नांदेड से, हैदराबाद से, अनेक स्थानों से आप यहां पर आते, ठीक है, आप बस के अंदर बैठे, बस के अंदर बैठे, बस के अंदर बैठे या ट्रेन के अंदर बैठे और आप यहां आए। अब आपने क्या किया,
उस बस के ड्राइवर के ऊपर श्रद्धा की, बस के ड्राइवर के ऊपर श्रद्धा की। क्या श्रद्धा की आपने? ये मुझको हुमनाबाद पहुंचाएगा, ये मुझको हुमनाबाद पहुंचाएगा। इस श्रद्धा के साथ आप गाड़ी के अंदर बैठे, ट्रेन के अंदर, बस के अंदर बैठे, ठीक है? विश्वास के साथ नहीं, विश्वास के साथ नहीं। विश्वास के साथ अगर बैठना, आंखों में पट्टी बांध के कोई भी एक गाड़ी जा रही है उसके अंदर बैठ गए और विश्वास कर लिया कि ये हुमनाबाद पहुंचाए, देखा सुबह उठ के तो कहां पहुंचे, हाँ कहीं और पहुंच गए, पुणे स्वारगेट बस थाने वहां पहुंच गए। श्रद्धा क्या? आपने बोर्ड देखा बस का, नांदेड़ हुमनाबाद, पुणे हुमनाबाद, मुंबई हुमनाबाद, बस देखी आपने, उसको जाना पहचाना आपने, वो सब पता किया, टाइमिंग वगैरह देखा, ये हुमनाबाद गया। उसके बाद आप गाड़ी के अंदर बैठे और आपने क्या किया? श्रद्धा की। किसके ऊपर? ड्राइवर के ऊपर, उसने आपको लाके पहुंचाया। तो श्रद्धा में विश्वास में फर्क है, भेद है। विश्वास में क्या है कि बिना जांच के, बिना पड़ताल के किसी के ऊपर विश्वास कर लेना, ये विश्वास है। और श्रद्धा क्या है? श्रद्धा जो है वो जांच पड़ताल के बाद, यानी श्रद्धा जो है वो कभी भी अंध नहीं हो सकती। ये जो अंधश्रद्धा निर्मूलन वगैरह बात करते हैं ना लोग, नाम सुना आपने, कुछ संस्थाएं हैं क्या, अंधश्रद्धा निर्मूलन, श्रद्धा अंध हो ही नहीं सकती। श्रद्धा कभी भी अंधविश्वास हो सकता है, अंधविश्वास। अंधविश्वास यानी क्या? अंधविश्वास यानी कभी कभी ऐसा होता है, हम जा रहे हैं कहीं काम से, घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकले, बिल्ली रास्ता काट, बिल्ली मांजर अड़बगे, हाँ, तो अब आपको क्या लगता है? अब मेरा काम नहीं, अब मेरा काम नहीं होगा, और ये समझ के आप वापस घर में चले जाते हैं। ये क्या है? ये अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है। श्रद्धा जो है, मैं माणिक नगर जाऊंगा तो मुझको वहां ज्ञान की प्राप्ति होगी, मुझको वहां प्रभु महाराज की कृपा की प्राप्ति होगी, ये जो भाव, इस भाव को लेकर आप आए हैं वो विश्वास नहीं है, वो श्रद्धा है। क्योंकि जांच के पड़ताल के आए हैं, तो अंधश्रद्धा नाम की कोई चीज नहीं होती। श्रद्धा के लिए सबसे अच्छा उदाहरण ऐसा है कि छोटा बच्चा होता, बिल्कुल एक साल का बच्चा। अब वो जो बच्चा है, उस बच्चे को उसका बाप उठाता है और आसमान में ऐसे उछाल देता है। आसमान में बच्चे को खिलाते समय बाप जो है बच्चे को उठा के ऐसे आसमान में उछाल देता है। वो बच्चा रोता है या हंसता है? हंसता है, ठीक है, वो खिलखिलाकर हंसता है। क्यों हंसता है? क्यों हंसता है? उसकी श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा है। किस बात में श्रद्धा है? ये बाप जो है मुझको गिरने नहीं देगा, ये मुझको पकड़ेगा, ऐसी श्रद्धा। अच्छा, वही बच्चा कभी ना आने वाला मामा, उस घर में कभी ना आने वाला मामा जो है वो 6 महीने बाद आ गया। बच्चे ने मामा को देखा ही नहीं, वो मामा आ गया। मामा ने भांडे को लाड़ से उठाया, आकाश में उछाला, बच्चा रोएगा कि हंसेगा? क्यों? क्यों? क्योंकि उस मामा के ऊपर उसकी श्रद्धा नहीं है, उस मामा के ऊपर उसकी श्रद्धा नहीं है, अपने बाप के ऊपर है। अच्छा, वो श्रद्धा कैसे जनरेट हुई उसके अंदर, उस बच्चे के अंदर वो श्रद्धा कैसे जनरेट हुई? जन्म से उसने ये देखा, उस बच्चे ने, छोटा बच्चा, उसने ये देखा कि ये व्यक्ति जो है हमेशा मेरी रक्षा करता है, हमेशा मुझको लाड़ करता है, हमेशा मुझको प्रेम करता है, हमेशा मेरी चिंता करता है। ये सारी बातों को छोटे से बच्चे के मन में ये सारी चीजें जो है संग्रहित हुई। 1 साल तक उसने देखा, वो पैदा कब हुआ? गत वर्ष 2021 मार्च में पैदा हुआ, अब क्या 2022 मार्च है। इस 1 वर्ष के अंदर उस बच्चे ने ये जान लिया कि ये जो है ये मेरा पिता है, और ये मेरा पिता जो है कभी भी मुझको हानि नहीं पहुंचा सकता। इस बात का उसने श्रद्धा, पक्के हो गए उसकी श्रद्धा, ठीक है। उसी तरह से श्रद्धा का एक और उदाहरण, एक बार क्या हुआ, एक गांव के अंदर वो जो खेल दिखाने वाले होते मदारी लोग, डोम्बारी मन को बनता है, मराठी डोम्बारी, पहले डोम्बारी से, वो क्या करते हैं वो लोग कि ऐसे लकड़ियां लगाते हैं दो, उसके ऊपर रस्सी लगाते हैं, ठीक है, रस्सी लगाते हैं, उस रस्सी के ऊपर
वो जो डोंबारी होता है वो साइकिल पे बैठता है, रस्सी के ऊपर, रस्सी के ऊपर साइकिल, उस साइकिल को चलाता है और साइकिल को चलाते समय अपने बच्चे को पीछे कैरियर में बिठाता है, अपने बच्चे को कैरियर के ऊपर बिठाता है और साइकिल को रस्सी के ऊपर, साइकिल को रस्सी के ऊपर चलाता है यहां से लेके वहां तक, इस तरह से लोग तालियां बजाते, कितना कर्तव्य है इसके पास, कितना बैलेंसिंग है, कितना अच्छा है, ताली बजाते, ठीक है। तो ऐसे एक गाँव में अंदर एक डोंबारी गया, एक कर्तव्य करने वाला मदारी गया, उसने ये खेल करके दिखाया, रस्सी बांधी, रस्सी के ऊपर साइकिल चलाई, साइकिल चलाते समय अपने बच्चे को पीछे रखा। उसके बाद उसने जो तमाशबीन थे देखने वाले लोग उनसे कहा कि आप लोगों को विश्वास है क्या नहीं मैं साइकिल ऐसे चला सकता हूँ, विश्वास है क्या नहीं आप लोग, हाँ ऐसे ऊंचाई के ऊपर रस्सी पर से मैं साइकिल चला सकता हूँ, ऐसा विश्वास है क्या नहीं आपको? लोगों ने कहा हाँ है, सबने तालियां बजाई, किसी ने 10 रुपए, किसी ने 5 रुपए, किसी ने 100 रुपए इनाम दिया। उसके बाद उसने कहा अगर आपको विश्वास है कि मैं ये साइकिल इस तरह से चला सकता, आप में से किसी का बच्चा मुझे दीजिए, मैं कैरियर पर बिठाऊंगा। वहां क्या है? वहां विश्वास है, श्रद्धा नहीं है। विश्वास, विश्वास है कि वो साइकिल रस्सी के ऊपर साइकिल चला सकता है, ऐसा विश्वास है, किंतु श्रद्धा नहीं। श्रद्धा अगर होती तो कोई भी माँ कहती है मेरा बेटा ले जा उसको चला साइकिल पे बिठा उसको खेल दिखा उसको, किसी माँ ने दिया क्या अपना बच्चा? किसी ने? क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं, श्रद्धा नहीं। तो इस श्रद्धा का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है और ये जो तीसरा श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं ये श्रद्धा के संदर्भ में भगवान का वचन जो है ये अत्यंत प्रसिद्ध और अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा वचन है भगवान का। भगवान क्या कहते हैं देखिए, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोयम् पुरुषः यो यश्रद्धस्स एव सः। श्रद्धा मयोयम पुरुषः, ये पुरुष कैसा है? पुरुष यानी, पुरुष यानी क्या? पुरुष यानी मनुष्य, पुरुष यानी मत समझे पुरुष यानी ये लोग, ऐसा नहीं, पुरुष यानी मनुष्य। ये मनुष्य कैसा है? श्रद्धामय है, श्रद्धामय है। और यो यश्रद्धा स एव सः, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा वो व्यक्ति बनता है। और ये श्रद्धा कैसी? सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। ऐसा है कि हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतकरण के अनुरूप होती, जिसका जैसा अंतकरण होगा वैसी उसकी श्रद्धा होगी। यह मनुष्य क्या है? श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा है, वही उसकी स्थिति है, ऐसा भगवान ने कहा। व्यक्ति की जो श्रद्धा है वो उसके चरित्र के ऊपर निर्भर करती है, मनुष्य की श्रद्धा उसके चरित्र के ऊपर निर्भर करती है। यहां सत्वानुरूपा श्रद्धा ऐसा शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया। तो सत्व शब्द में यहां सत्व गुण को मत लीजिए, सत्व शब्द का अर्थ है, सत्व शब्द जो है वो किसका वाचक है? वो जो है मन का वाचक है। क्यों मन का वाचक क्यों है? क्योंकि पंचमहाभूतों के सात्विक अंश से मन की उत्पत्ति हुई। मन कैसे बना हमारा? तो पंचमहाभूतों का जो सात्विक अंश है उस सात्विक अंश से मन बना, इसलिए जो है यहां सत्वानुरूपा श्रद्धा जो कहा गया मतलब जिसका जैसा मन होता है, जिसका जैसा अंतकरण होता है वैसी उसकी श्रद्धा होती है। अब प्रश्न यह है कि क्या ये श्रद्धा अनुवांशिक होती है? अनुवांशिक, तो उसका उत्तर क्या? उसका उत्तर हां और नहीं, दोनों हां और नहीं। अब जैसे उदाहरण दोनों प्रकार के उदाहरण। अब जैसे आप लोग यहां माणिकनगर आ रहे हैं, ठीक, कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं जो पिछली 4 पीढ़ी से आ रहे हैं,
लगभग पिछले 150 वर्षों से जो निरंतर माणिक नगर आ रहे ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। अब उनकी जो श्रद्धा है, उनकी जो श्रद्धा है उस श्रद्धा में अनुवांशिकता है, क्योंकि उनके पिता आते थे, क्योंकि उनके पितामह उनके दादा आते थे, उनके परदादा आते थे, उनके खापर पणदोबा आते थे, तो ये सब लोग आते थे, इसलिए जो है क्या अनुवांशिकता भी होती है। और दूसरी दृष्टि से अगर देखें तो ऐसे भी उदाहरण है, जैसे हिरण्यकश्यपु है। अब हिरण्यकश्यपु उसका बेटा कैसा होना चाहिए था? उसके जैसा होना चाहिए था। हिरण्यकश्यपु का बेटा कैसा होना चाहिए था? उसके जैसा होना चाहिए था। वो क्या निकला? वो परम भक्त निकला। हिरण्यकश्यपु जो है परम नास्तिक राक्षस और क्या असुरी संपत्ति वाला, और बेटा कैसा? परम भक्त। देखिए कैसा विचित्र है। अच्छा उल्टा उल्टा देखिए, विश्रवस मुनि का पुत्र रावण, विश्रवस मुनि अत्यंत तपस्वी अत्यंत बड़े ऋषि, हाँ कितने सात्विक, उनका बेटा कौन? तो अगर हम अनुवांशिकता के सिद्धांत को माने तो प्रह्लाद का उदाहरण और रावण का उदाहरण अनुवांशिकता के सिद्धांत का खंडन करते हैं कि अनुवांशिकता नहीं होती। किंतु अगर प्रत्यक्ष में हम यहां देखें, कई लोग हैं यहां पर चार पीढ़ी से आ रहे हैं, हाँ तो क्या हो गया? अनुवांशिकता है। तो श्रद्धा में अनुवांशिकता कुछ अंश तक काम करती है। आपकी श्रद्धा कैसी है? जैसे आपके माँ बाप की थी वैसे, जैसे आपके पिता की, प्रपिता पितामह की, प्रपितामह की, जैसी जैसी आपकी उनकी श्रद्धा थी वैसी आपकी श्रद्धा बनती है, कुछ अंश में कुछ अंश में नहीं बनती। उसके बाद क्या? उसके बाद ये श्रद्धा जो बनती है, सत्वानुरूपा श्रद्धा जो कहा, ये श्रद्धा हमारी जो बनती है वो कैसे बनती है? पूर्व जन्म के संस्कारों से बनती है। पूर्व जन्म के जो हमारे संस्कार हैं उन संस्कारों के अनुसार भी श्रद्धा बनती है। अनुवांशिकता, पूर्व जन्म के संस्कार, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण इस जन्म में जैसा वातावरण जैसी संस्कृति घर में होगी वैसी हमारी श्रद्धा होगी, वैसी हमारी श्रद्धा। ऐसा है, इसीलिए बड़ा महत्व का है ये अध्याय, इसलिए महत्व का। हमारे यहां देखिए पुराने जमाने से परंपरा चली आ रही, घर में नवरात्र का उत्सव करते, शारदीय नवरात्र, ठीक है, शारदीय नवरात्र करते देवी की उपासना। तो वो जो नवरात्र हम करते हैं वो घर का एक संस्कार है, घर के अंदर एक संस्कृति है, घर के अंदर एक पद्धति है, एक परंपरा है। अब वो जो परंपरा है, देखिए आप बहुत से लोगों के घर में नवरात्र की परंपरा लुप्त हो गई, नवरात्र की परंपरा वो लुप्त हो गई, किंतु फिर भी उस परिवार के सदस्य जो है नवरात्र में कम से कम एक दिन तुलजापुर जाके आते हैं, एक दिन कम से कम तुलजापुर जाके आते। क्यों क्यों जाते हैं? परंपरा तो समाप्त हो गई, अखंड दीप नहीं है, देवी भागवत का पारायण नहीं है, सप्तशती का पाठ नहीं है, घर में पूजा नहीं है, कुछ नहीं है, मगर फिर भी वो श्रद्धा क्या करवाती है उनसे? क्यों? क्योंकि घर का वातावरण उन्होंने बचपन से देखा, हमारी माँ दिया जलाती थी, हमारे पिता पूजा करते थे, हमारे पिता सप्तशती का पाठ करते थे, देवी नवरात्र होता था, कुंकुमार्चन होता था, कुमारी पूजन होता था। अब ये हम नहीं कर पाते, मगर फिर भी जो है श्रद्धा कैसी है? एक दिन कोल्हापुर जाके आना है, एक दिन दुर्गापुर जाके आना है। तो घर का जैसा वातावरण होता है, माँ बाप जैसे जिस प्रकार का आचरण करते हैं वैसा ही आचरण बच्चे करते हैं। महाजना ये न गता सपंथा। तो इसलिए जो परिवार के बड़े लोग हैं, क्योंकि आप लोग सब बड़े लोग हैं परिवार के, सीनियर सिटीजन से ज्यादातर लोग, आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि आपकी संतति, आपकी संतान, आपके बेटे, आपकी बहू, विशेषकर बहू सुन, आप जैसा करते हैं वैसा वो और वो जब करेंगे, आप मान लीजिए 100% करते हैं तो निश्चित मान के चलिए आपकी बहू उसको 60% पे लाएगी। इसलिए आपको क्या करना है? आपको 120% करना है।
ये बड़ा डेंजरस है। हमारे हिंदू धर्म का रक्षण जो है, हमारी हिंदू संस्कृति का रक्षण जो है, हमारी हिंदू सभ्यता का रक्षण जो है, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? सबसे ज्यादा जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर। सबसे ज्यादा गृहिणी गृहम उच्यते, जैसी गृहिणी होगी वैसा घर होगा। घर जो है वो बिल्डिंग के ऊपर से, बिल्डिंग के रंग के ऊपर से, बिल्डिंग के टाइल्स फ्लोरिंग के ऊपर से, बिल्डिंग की लाइटिंग के ऊपर से, बिल्डिंग के फर्नीचर के ऊपर से पहचाना नहीं जाता। घर कैसे पहचाना जाता है? गृहिणी गृहम उच्यते, जैसी गृहिणी होगी वैसा घर है। तो इसलिए जो है हमारे महिला वर्ग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए क्या होता है कि काल के अनुषंग में, काल के प्रवाह में चीजें जो है वो डाइल्यूट होती चली जाती, डाइल्यूट होती चली जाती। आपकी सास मान लीजिए 2 घंटे पूजा करती थी तो आपने उसको क्या कर दिया? 1 घंटे पिला, ठीक है, 1 घंटे पिला। अब आपकी बहू उसको क्या करेगी? उसकी बहू, उसकी बहू, उसकी बहू। पूजा जो है वो परंपरा ही समाप्त हो जाए, परंपरा ही समाप्त हो जाए। उसके लिए आवश्यक यह है कि हम जो है ऐसा आचरण रखें कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जो है उसको उत्तम आदर्श दिखाई दे। इसलिए जो है हमको क्या करना, आपकी बहू, आपको मालूम है आपकी बहू क्या करने वाली है? आधा करने वाली। आप डबल करो ना तो वो फिर आधा करेगी, तो आप जितना करते थे उतना ही होगा वो। और केवल महिलाएं नहीं, पुरुष भी। तुम्हें हंसू नका, तुमची पण जिम्मेदारी है, तेवढी जिम्मेदारी है, तुमची पण तेवढी जिम्मेदारी है। तो इसलिए जो है घर का वातावरण, समाज का वातावरण, देश का वातावरण, देश का वातावरण। मैं क्यों बोल रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि गुजरात सरकार ने स्कूल के करिकुलम में भगवद गीता को कंपल्सरी कर दिया। गुजरात सरकार ने स्कूल करिकुलम में भगवद गीता को कंपल्सरी कर दिया। अब देश का वातावरण कैसा है? देश का वातावरण ऐसा है, क्यों? क्यों नहीं, ये धार्मिक शिक्षण आप क्यों दे रहे? हमारा धार्मिक शिक्षण नहीं दे रहे, हिंदुओं का दे रहे। वातावरण कैसा है? वातावरण ऐसा है कि आप कुछ भी अच्छा करने जाओ वहां आपकी टांग खींचने वाले 50 लोग। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, भगवद गीता की बात आई इसलिए। ऐसा है, भगवद गीता हिंदुओं की पुस्तक नहीं है। हिंदुओं की पुस्तक कहीं भी, भगवद गीता में हिंदू शब्द नहीं है। भगवद गीता में हिंदू शब्द कहीं नहीं है। भगवद गीता हिंदुओं की किताब है ही नहीं। भगवद गीता मानवता की किताब, भगवद गीता क्या है? मानवता की किताब। बाकी जो धर्म की पुस्तकें हैं, बाकी जो धर्म की पुस्तकें हैं वो विशेष रूप से उस धर्म के लिए हैं। कुरान मजीद है, कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह कहते हैं, ऐ मुसलमानों, ऐसा संबोधन है, ऐ मुसलमानों तुम ऐसा करो, ऐ मुसलमानों तुम ऐसा करो, ऐ मुसलमानों तुम ऐसा करो, है ना। बाइबल के अंदर क्रिश्चियन धर्म का उल्लेख है, बाइबल के अंदर क्रिश्चियन धर्म का उल्लेख है, वो क्रिश्चियनों के लिए है। कुरान मुसलमानों के लिए है, भगवद गीता हिंदुओं के लिए नहीं है, इसलिए हिंदुओं ने उसको छोड़ दिया। भगवद गीता जो है वो मानव धर्म की पुस्तक है, मानव धर्म की, केवल हिंदुओं की नहीं है। तो इसलिए जो है जैसा देश का वातावरण होता है, जैसा समाज का वातावरण होता है, जैसा शहर का वातावरण होता है, जैसा घर का वातावरण होता है, उस तरह से हमारी श्रद्धा बनती है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। अर्जुन के लिए भगवान ने यहां भारत शब्द का प्रयोग किया। भारत, भारत क्यों कहा? क्योंकि वो भरत वंश में उत्पन्न हुआ। अर्जुन कहां उत्पन्न हुआ? तो भरत वंश में उत्पन्न हुआ, इसलिए अर्जुन का नाम भारत है, भारत। और हमारे देश का नाम भी क्या है? भारत। हमारे देश का नाम भारत शब्द का अर्थ आपको मालूम है क्या? भारत, भारत। भा शब्द का अर्थ है ज्ञान, भा याने ज्ञान, भा याने प्रकाश, भा याने ज्ञान। और भा याने क्या? ब्रह्म विद्या। भा शब्द का अर्थ क्या है?
ब्रह्म विद्या। तो उस ब्रह्म विद्या में जो रत है, रत यानी क्या, लगे हुए हैं, उस ब्रह्म विद्या में आप जैसे लोग लगे हुए हैं, ऐसे लोग जहां रहते हैं उसका नाम क्या है? तो इसलिए भगवान ने कहा सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। हे भारत, जैसा जिसका आचरण होगा, जैसा जिसका मन होगा, जैसा जिसका संस्कार होगा, जैसा जिसका पूर्व जन्मों के संस्कार होंगे, उस तरह से उसकी श्रद्धा बनती है। इसलिए एक अंग्रेजी में बड़ी प्रसिद्ध ऐसी कहावत है, क्या, वॉच योर थॉट्स दे बिकम योर वर्ड्स। हमको क्या करना चाहिए, हमारे मन के अंदर जो विचार आते हैं उनके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए, कैसे विचार मेरे मन में आते हैं, क्योंकि अगर हमने उसके ऊपर निगरानी नहीं रखी तो विचार शब्दों का रूप धारण कर लेते हैं, और एक बार वो शब्द बन के बाहर चले गए तो फिर उसको रिट्राइव करना अत्यंत मुश्किल है, उसको वापस नहीं ला सकते। वॉच योर थॉट्स दे बिकम योर वर्ड्स। उसके बाद क्या, वॉच योर वर्ड्स दे बिकम योर एक्शंस। अब क्या करना है, हमारे मुख से निकलने वाले जो शब्द हैं उनके ऊपर निगरानी रखनी है, उनके ऊपर निगरानी रखनी है। क्यों निगरानी इसलिए रखनी है, क्योंकि दे बिकम योर एक्शंस, वो आपकी क्रियाएं, वो आपका कर्म बन जाएंगे। फिर वॉच योर एक्शंस दे बिकम योर हैबिट्स। हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे जो एक्शन है, हमारे जो कर्म है, हमारी जो क्रियाएं हैं, उनके ऊपर हमको निगरानी रखनी पड़ेगी, कैसे कर्म मैं कर रहा हूं, कैसे ये श्रद्धा कैसे बनती है बता रहा हूं मैं, कैसे कर्म मैं करता हूं इसके ऊपर मुझको निगरानी रखनी पड़ेगी। निगरानी यानी कैसे, वॉचमैन होता है क्या नहीं बिल्डिंग में आपको, हाँ, वो क्या करता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने बजे आया, कितने बजे गया, उसका मोबाइल नंबर क्या, ये सारा नोट करता है क्या नहीं वॉचमैन आपके बिल्डिंग में। उसी तरह से हमको वॉचमैन बन के क्या करना है, वॉच योर एक्शंस दे बिकम योर हैबिट्स। अगर उसके ऊपर आपने निगरानी नहीं रखी तो वो क्या हो जाएंगे, आपके वो कर्म आपकी आदत बन जाएगी, गाली देना, झगड़ा करना, अपशब्द बोलना, एक वचन में बोलना, ये सारा क्या हो जाएगा, आपका आदत बन जाएगी। वॉच योर हैबिट्स दे बिकम योर कैरेक्टर। अब क्या करना पड़ेगा, हमारी जो आदतें हैं, हमारी जो आदतें हैं उन आदतों के ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी, आदतों को कंट्रोल करना पड़ेगा, निगरानी रखनी पड़ेगी, वरना क्या हो जाएगा, अगर हमने उसके ऊपर निगरानी नहीं रखी तो दे बिकम योर कैरेक्टर, वो आपकी आदत जो है आपका स्वभाव बन जाएगा, आपका चरित्र बन जाएगा। एंड वॉच योर कैरेक्टर इट बिकम्स योर फ्यूचर पर्सनैलिटी। और आपका जो चरित्र है, आपका जो स्वभाव है, उसको आप निगरानी रखें, उसके ऊपर, उसके ऊपर आप अपनी निगरानी रखें। अगर नहीं रखेंगे तो वो ही आपका फ्यूचर पर्सनैलिटी, भविष्य में आपका व्यक्तित्व वही बनेगा, अर्थात क्या, वही आपकी श्रद्धा बनेगी, वैसी ही आपकी श्रद्धा बनेगी, वैसी ही आपकी श्रद्धा। समझ में आई बात है, कितनी गहरी बात है, कहां से शुरू हो रही, वॉच योर थॉट्स यहां से शुरू हुई, दिमाग के अंदर क्या विचार आता है यहां से शुरू हुई बात, और वो कहां जाके पहुंची, आपका भविष्य क्या होगा इसके ऊपर जाके पहुंची। तो इसलिए जो है ये श्रद्धा कैसे बनती है, बचपन से लेकर जिस कौन सा पुनः पूर्ण म्हणणं असं आहे की सगळ्यात पहिले तुमचे जो विचार डोक्यामध्ये जे विचार येतात त्यांच्यावर लक्ष ठेवा, अन्यथा काय होईल, त्या विचाराचं शब्दामध्ये रूपांतरण होईल। शब्दांवर नजर ठेवा, शब्दांवर नजर ठेवा, न ठेवलं तर ते कर्मामध्ये परिवर्तित होतील। कर्मावर नजर ठेवा, न केलं तर काय होईल,
ते तुमचे सवय होऊन जाईल. सवयी जे आहे तुमच्या हॅबिट्स त्यांच्यावर निगराणी ठेवा, अन्यथा ते तुमचा स्वभाव होऊन जाईल. त्या स्वभावावर नजर ठेवा, अन्यथा काय होईल, ते तुमचं व्यक्तिमत्व होईल. ते तुमचं व्यक्तिमत्व होईल असं त्याचं म्हणायचं. वेस्टर्न कोई फिलॉसॉफर है उसने कहा. तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. तो सत्वानुरूपा के अंदर ये सब आ गया. सत्व यानी मन, जैसा जिसका मन होता है वैसी उसकी श्रद्धा होती है. और क्या, और भगवान ने कहा श्रद्धामयोयम पुरुषः. ये पुरुष कैसा है, श्रद्धामय है. उसका सारा जीवन उसकी श्रद्धा से गाइडेड होता, उसकी श्रद्धा से गाइडेड होता. वो मनुष्य कैसा है, उसकी श्रद्धा से वो गाइडेड होता है. और वो व्यक्ति कैसा है अगर देखना है आपको, तो उसकी श्रद्धा कैसी है इसके ऊपर से आपको मालूम पड़ा इसकी पर्सनैलिटी कैसी. तो डॉक्टर के पास में जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास गए. डॉक्टर के पास जाने के बाद वो क्या करता, ब्लड टेस्ट करता, वो ब्लड टेस्ट करता. और ब्लड टेस्ट करने के बाद वो रिपोर्ट देखता है, उसको सब समझ में आ जाता है, उसको सब समझ में. वो क्या बोलता है, तुम्हें गोड़ फार खाता महाराज, तू यून पायलास का भी गोड़ खाए. डॉक्टर के पास गया मैं ब्लड टेस्ट करवाया, डॉक्टर ने देखा रिपोर्ट, महाराज गोड़ फार खाता, उशीरा फार झोपता, उशीरा झोपता तुम्हें जागरण फार करता, तुम्हें एक्सरसाइज करत नहीं, तुम्हें प्राणायाम करत नहीं. तुम्हारा कस माहित डॉक्टर, एकदा ही माणिकनगरला आले, तुम्ही एकदाही माणिकनगरला आला नाही, तुम्हाला काय, मी रात्री किती वाजता झोपतो तुम्हाला काय माहित. महाराज इथे सगळं दाखवलं, 230 शुगर आहे. 230 शुगर म्हणजे काय, अशा माणसाला 230 होत. तो इसलिए श्रद्धामयोयम पुरुषः योय श्रद्धा स एव सः. आपकी श्रद्धा कैसी है ये अगर मुझको मालूम हो गया, आपकी पूरी कुंडली निकाल सकता हूं, आपकी पूरी कुंडली निकाल सकता हूं. तो श्रद्धामयोयम पुरुषः, ये पुरुष कैसा, पुरुष यानी मनुष्य, ये मनुष्य जाति के प्राणी कैसे हैं, श्रद्धामय है. और इनकी कुंडली अगर निकालनी हो, ये कैसे हैं, क्या हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, देखिए आप, देखिए आप एक बात बता, एक एक छोटा सा उदाहरण ले लें, कश्मीर फाइल देखी मैंने, पहले का पिक्चर नहीं, पहले सप्ताह संपला और गेल्याबरोबर ताबडतोब बघा, एक दृश्य बता, एक एक बता, एक एक उसमें की एक घटना बता, उसके अंदर एक दृश्य है, अंतिम दृश्य है कि वो जो विलेन होता है वो कश्मीरी पंडितों को एक लाइन में खड़ा करता, लाइन के अंदर खड़ा करता, और बंदूक लेके उनके माथे का निशाना लेके खट 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 उड़ा दे, उड़ा दे, ठीक है. आप में से किसी को मैं 10 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं. आदमी को छोड़िए, आदमी को छोड़िए, 10 कुत्ते खड़ा करता हूं मैं, या 10 बिल्लियां खड़ा करता हूं, या 10 कोई सुअर खड़ा करता हूं, उनको आप ठक 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 गोली से मार सकते हैं क्या? नहीं, मार सकते हैं क्या? नहीं. क्यों नहीं मार सकते? श्रद्धामयोयम पुरुषः. आपके अंदर अनेक वर्षों से, अनेक अनेक जन्मों से, लाखों वर्षों से ऐसे संस्कार बने हुए हैं कि आप किसी की जान नहीं ले सकते, जान नहीं ले सकते, आप किसी की जान नहीं ले सकते. वो उस व्यक्ति के अंदर उसको ऐसे संस्कार मिले, उसको 1400 साल से ऐसे संस्कार मिले, जहां काफिर दिखे उसको उड़ाओ, जहां काफिर दिखे उसको उड़ाओ, ऐसे संस्कार उसको मिले. उस व्यक्ति का इंटरव्यू है, उस व्यक्ति का उस सिनेमा में एक इंटरव्यू है. उस इंटरव्यू में इंटरव्यू लेने वाला पूछता है कि अगर आपको हुक्म मिल जाए कि अपनी मां को उड़ा दो, उड़ा दोगे क्या? बिल्कुल उड़ाओगे. अपनी मां को बंदूक से, गोली से उड़ा दो, उड़ा दोगे? हाँ यस, उड़ा दूंगा. अपने भाई को मारोगे? मारूंगा.
बाप को मारोगे? मारूंगा। आप में से कोई अपनी माँ को गोली से उड़ाने को तैयार है? मैं 25 लाख रुपए देने को तैयार हूं। मैं नहीं, मारिए मत, आप कम से कम पब्लिकली बोलिए मैं मेरी माँ को बंदूक से मारने के लिए तैयार हूं, तो भी 10 लाख रुपए देने को खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। सिर्फ बोलो, मारो मत भाई, बोलो मैं तैयार हूं 10 लाख रुपए अगर आप देंगे तो अपनी मां को मैं आज ही शूट करने के लिए तैयार। ऐसा बोलो, कम से कम बोल सकते हैं क्या? कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है? श्रद्धा, आपकी जो श्रद्धा है वो आपको रोक रही है, वो श्रद्धा रोक रही है आपको। आपके ऊपर जो संस्कार बने आपके पिता माता पितामह प्रपितामह अनेक 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 पीढ़ियों से, अनेक आपके धर्म का, आपकी संस्कृति का, आपकी सभ्यता का, आपके परिवार का, आपके कुल का, आपके गोत्र का, जो संस्कार जो छवि आपके ऊपर बनी वो आपसे ये नहीं करवा सकती, नहीं करवा सकती ये काम आपसे। तो इसलिए जो है सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोयम् पुरुषः योयश्रद्धस्येव सः। अब यहां कहा कि योयश्रद्धस्येव सः, जिसकी जैसी श्रद्धा है उसके ऊपर से उस व्यक्ति को पहचाना जाए, वो सात्विक है राजसिक है या तामसिक है, ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, ये पता करना है। तो भगवान ने सूत्र बताया पहले श्लोक में, तीसरे श्लोक में, कि श्रद्धामयोयम् पुरुषः योयश्रद्धस्येव सः, उसकी श्रद्धा कैसी है देख लो और उसके ऊपर से तुमको मालूम हो जाएगा वो सात्विक है राजसिक है या तामसिक। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने पहले में प्रश्न पूछा, सत्वमाहो रजस्तमाह, ऐसा कहा, वो सात्विक, उसकी उसकी निष्ठा जो है सात्विक है राजसिक है तामसिक है, ऐसा पहले में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, तो उसका उत्तर भगवान ने दिया कि श्रद्धामयोयम् पुरुषः योयश्रद्धस्येव सः। अब पहचानेंगे कैसे? तो भगवान यहां कुछ उदाहरण दे, ये चौथा श्लोक हम देखेंगे। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः सात्विकाः देवान् यजन्ते राजसाः यक्षरक्षांसि यजन्ते अन्ये तामसाः जनाः प्रेतान् भूतगणांच यजन्ते। ऐसा है भगवान यहां कहते हैं, तुझको पता करना है ना इसकी श्रद्धा कैसी है, सात्विक है राजसिक है तामसिक है, तो उसके लिए क्या, तो उसकी श्रद्धा कैसी है वो देख, उसके ऊपर से तुझे पता लगे, ठीक है। अब क्या भगवान कहते हैं, सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं। जो लोग, अर्थ क्या, जो लोग देवताओं का पूजन करते हैं वो सात्विक। यक्ष रक्षांसि राजसाः, और यक्ष राक्षस इत्यादि की पूजा करने वाले ये क्या है, ये राजस है, ये राजस है। और दूसरे अन्य जो है तामस लोग जो हैं वो किसकी पूजा करते हैं, प्रेतों की और भूतगणों की पूजा करने वाले जो हैं वो तामसिक हैं। ये तीन प्रकार भगवान ने बताया, देवताओं की पूजा करना, जैसे हम घर में पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, कृष्ण की, राम की, देवी की, गणपति की, ये सब क्या है, ये सात्विक देवता है, ये सब क्या है, सात्विक देवता है। इनकी पूजा करने वाला जो है उसकी निष्ठा उसकी श्रद्धा सात्विक। कुछ लोग क्या है, वो यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। यक्ष राक्षस यानी क्या, तो अनेक ऐसी सृष्टि के अंदर शक्तियां हैं जो किसी का अहित करने के लिए, किसी का कुछ करने के लिए वगैरह, यक्ष राक्षस वगैरह कुबेर वगैरह ये ऐसे, तो इनकी पूजा करने वाले जो है वो राजस कोटि में आते हैं। और उसके बाद और ज्यादा किसी का नुकसान पहुंचाना, भानामती तेगामती कागामती वो मती ये मती, हाँ भूत प्रेत पिशाच स्मशान में साधना करना, ये सब क्या है, ये सब तामसिक है, ये सब तामसिक है। तो इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, सात्विक जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। अब मुझे कैसे पता चले कि मेरी श्रद्धा कौन सी है, मुझे कैसे पता चले कि मेरी श्रद्धा कौन सी है,
हाँ, तो ये जो है मेरी श्रद्धा कौन सी है ये पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मैं किस बात में विश्वास करता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, क्या पहनता हूँ, क्या करता हूँ, ये सब बोलना पड़ेगा ना। बगैर बोले कैसे पता चलेगा इसकी श्रद्धा कैसी है? बोलना चाहिए। लोग क्या है, बोलते नहीं। लोग बोलते नहीं। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पूछा क्या होते तुम्हारे, खामोश खामोश, नहीं क्या होते क्या तुम्हारा, क्या तकलीफ क्या है आपको, भाई आपको तकलीफ क्या, क्यों आए हैं, आप डॉक्टर हैं आप पता लगा आप डॉक्टर हैं आप पता लगा, इतना बड़ा बोर्ड लगा ना, MBBS FRCS वगैरह सब बोर्ड लगा, आप पता उठाओ क्या हो रहा। दो तीन बार डॉक्टर ने पूछा, बोलने को तैयार नहीं। उसने एक काम किया, उन्हें बोला मुझसे बड़े डॉक्टर के पास तुमको जाना पड़ेगा, एक डॉक्टर का नाम नंबर टेलीफोन नंबर लिख के दीजिए, जाओ इसके पास जाओ वो बताए। वो जो दूसरा वाला डॉक्टर था वो कौन सा था, वो वेटरनरी डॉक्टर। क्यों? क्योंकि वेटरनरी डॉक्टर के पास वो मरीज बोलता नहीं कुछ, कुत्ता है कुत्ता, कुत्ते को तकलीफ क्या बोलेगा, कुत्ता क्या कोटा दुकुरा ला, क्या ना दुकुरा ला, तोंडा काय कुत्रा काय ते सांगते, पण वेटरनरी डॉक्टर पहचानता पहचानता। इसलिए डॉक्टर साहब ने क्या किया, डॉक्टर का नंबर फोन नंबर याच्याकडे जातो सगळं करतो। तो इस तरह से हम बोलते नहीं, हमको क्या हमारी श्रद्धा कैसी है ये हम बोलते नहीं है। इसलिए अब क्या है, इस श्रद्धा को पहचानने के लिए अनुमान का उपयोग करना पड़ता, अनुमान, अनुमान का। उसके तीन प्रकार अनुमानावरून आपल्याला पत्ता काढावा लागतो इसकी श्रद्धा कैसी है वो। तो अनुमान से पता करने के तीन प्रकार है, ठीक है, कौन से तीन प्रकार हैं? एक क्या है, इस व्यक्ति की उपासना का विषय क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। ये जो व्यक्ति है इसकी श्रद्धा का हमको पता करना है, तो ये किसकी उपासना करता, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप क्या है इसका। दूसरा क्या, दूसरा टेस्ट है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर लोग लिखते हैं क्या, ब्लड शुगर, फास्टिंग, पोस्ट लंच, हो गया, उसके बाद क्या, सीरम क्रिएटिनिन, और उसके बाद क्या, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, और उसके बाद क्या, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, और लिवर फंक्शन टेस्ट, कंप्लीट ब्लड एग्जामिनेशन, ये चार लिख के दिए। ये चार रिपोर्ट अगर आ गई उसके पास, उसके ऊपर क्या डॉक्टर साहब बराबर है कि नहीं, तो क्योंकि यहाँ जानकार लोग बैठे, बड़े बड़े डॉक्टर लोग बैठे, तो क्या कहते हैं उसको, वो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के ऊपर से डॉक्टर को उसका पूरा उसकी कुंडली खोल सकता है। यहां भगवान जो है तीन तरह के टेस्ट बताते, थ्री टेस्ट। सबसे पहला कौन सा, वो किसकी उपासना करता है, उसकी उपासना का विषय क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप क्या है, एक पहला टेस्ट। दूसरा प्रश्न क्या, उसका जो वर्शिप है उसका मोड क्या है, किस तरह से पूजा करता है, पूजा का प्रकार क्या है, उसकी पूजा का प्रकार क्या है। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोटिव ऑफ वर्शिप, वो किस लिए पूजा कर रहा, उसकी पूजा का उपासना का उद्देश्य क्या है। ये तीन टेस्ट करवा लीजिए आप, उसकी रिपोर्ट लाइए, मैं उस रिपोर्ट को देख के आपकी कुंडली बता दूंगा, आपकी सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, क्या है, भगवान के लिए। यहां ये जो चौथा श्लोक हम देख रहे हैं इसके अंदर भगवान जो है उपासना का विषय जो है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप की बात कर, यहां पर टेस्ट शुरू हो गया भगवान का। देखिए एक चीज और, ये टेस्ट जो है खुद का करना है, महाराज तो ऐसा करते है, महाराज ती ऐसा करते हैं, लोकांचा टेस्ट करायचं नाहीये, तुम्ही ऑथराइज नाही आहे, क्वालिफाइड नाही आहे टेस्ट करा, स्वतःचं करून घ्या फक्त। तुम्ही असं करू शकता का, लॅबोरेटरी मध्ये सुनेचा ब्लड टेस्ट तुम्ही करू शकता का, करता येत नाही, सून स्वतः जावं लागेल तिला करून, किंवा सासूचं करू शकता का, करू शकता, स्वतःचंच करावं लागेल। तो इसलिए जो है ये टेस्ट जो है ये स्वयं का ही करना है, स्वयं का ही करना है, ठीक है। तो यहां पर इस चौथे श्लोक के अंदर भगवान जो है क्या कर रहे हैं कि उपासना का विषय क्या है, उपासना का विषय।
ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। अब जब ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप की बात हम करते हैं तो हमारे हिंदू धर्म में अनेक 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 देवता, कितने ऑब्जेक्ट हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं। एक विष्णु को लिया, विष्णु उसके 10 अवतार, राम कृष्ण ये सारे महत्व के, नरसिंह शिव को लिया, शिव के अनेक अवतार, उसके बाद देवी को लिया, देवी के अनेक अनेक अवतार, हनुमान जी को लिया उनके अवतार, गणपति के उनके अवतार, दत्तात्रेय उनके अवतार, तो इस तरह से अनेक अनेक देवता। किंतु एक बात ध्यान रखिए, हिंदू धर्म में अनेक देवता हैं किंतु ईश्वर एक है। हमारे पास ईश्वर एक है, देवता अनेक है। अर्थात उसका क्या, उसका अर्थ क्या, उसका अर्थ यह है सत्ता एक है, उस सत्ता की अभिव्यक्ति अनेक रूपों से होती है। भारत का राष्ट्रपति, कितने राष्ट्रपति हैं भारत में, भारत में कितने राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति। मिनिस्टर कितने हैं, 52 या 54 कुछ है मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, 56 ठीक है 56 तो 56 हमारी कह वो फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और क्या, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, अनेक 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 मिनिस्टर है, अनेक मिनिस्टर हैं। इसलिए राष्ट्रपति अनेक हो जाते हैं क्या, राष्ट्रपति अनेक, राष्ट्रपति एक। तो ईश्वर जो है वो एक है, उसकी सत्ता जो है वो विविध रूपों से, उसकी महिमा विविध रूपों में, अनेक अवतारों में, अनेक प्रकार से प्रकट होती है। एक और महत्व की बात आपको बताता हूँ, ये अन्य धर्मीय लोग जो है ना वो हमारी निंदा करे, तुम्हारे पास क्या 33 कोटि देवी देवता है। अब आप बताइए, जिसके पास 1 रुपया है वो अमीर, या जिसके पास 33 करोड़ रुपए है वो अमीर, कौन अमीर, पैसे वाला कौन हुआ, 33 करोड़ जिसके पास है वो अमीर, 1 रुपए वाला, 1 रुपए वाला क्या होता, वो भिखारी होता, 1 रुपए वाला भिखारी होता, 33 करोड़ वाला अमीर होता। हमारे यहां 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता को भी समझ लीजिए, 33 कोटि ऐसा अपन मानते, 33 कोटि। कोटि शब्द का अर्थ क्या है, कोटि शब्द का अर्थ है प्रकार, 33 कोटि, 33 प्रकार के देवता, 33 प्रकार के देवता। 33 प्रकार के देवता कौन से, तो 8 वसु, 12 आदित्य, कितने हुए 8 और 12, 11 रुद्र, कितने हुए, इंद्र और प्रजापति, कितने हो गए। ये देवताओं की कैटेगरीज हैं हमारे यहाँ, डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्री, जैसे किसने कहा 56 कोण बना लो, डायनामाइट 56, तो 56 जैसा उन्होंने बताया उस तरह से जो है ये देवता है देवता। और इसलिए वो ऐसा है क्योंकि हमको उपासना जब हम करते हैं तो हमको जो विषय, जो हमारा जो उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य के अनुसार हम देवता को चुनते हैं, डिपार्टमेंट को चुनते हैं। अब मान लीजिए आपको एक साड़ी खरीदनी, मान लीजिए, वैसे तो खरीदनी है आपको, तो मान लीजिए साड़ी खरीदनी, अब वो साड़ी खरीदने के लिए आप चितड़े मिठाई वाले की दुकान में जा सकते हैं क्या, जा सकता क्या उड़ाला, नहीं नहीं, फार फेमस है, बाजीराव रोड पर है, असुदे हो फेमस असुदे, तुम्हें जाऊ सकता का तिथे साड़ी घर चितड़े कड़े, क्यों नहीं जा सकते, वहां सिर्फ मिठाई, वहां सिर्फ मिठाई। अच्छा जान दो, चितड़े के पास नहीं, वो पूना गाड़गिड़ के पास जाएंगे तो मिलेगी साड़ी, अच्छा पूना गाड़गिर की दुकान में पेड़े लेने जाएंगे तो मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। उसी तरह से हमारे यहाँ परमात्मा की जो शक्ति है, उस शक्ति की विभिन्न जो डिपार्टमेंट है, वो विभिन्न डिपार्टमेंट के लिए विभिन्न देवता है। पैसा चाहिए तो लक्ष्मी की उपासना करनी पड़ेगी, पैसा अगर आपको चाहिए तो लक्ष्मी की उपासना करनी पड़ेगी, विद्या अगर चाहिए तो लक्ष्मी की उपासना करेंगे चलेगा क्या, विद्या अगर चाहिए
तो सरस्वती की उपासना, विघ्नों से अगर दूर होना है, विघ्नों से पार जाना है, तो भगवान शिव की पूजा करेंगे तो चलेगा क्या? वहां गणपति की पूजा करनी पड़ेगी। मगर ये सारे गणपति हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, ये जितने भी देवता हैं, हनुमान जी हो, ये सारे के सारे देवता जो है, उनकी शक्ति का स्रोत कहाँ है? फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव देयर स्ट्रेंथ? जैसे सारे मंत्री राष्ट्रपति से शक्ति को ग्रहण करते हैं, उस तरह से एक ईश्वर से ये सारे शक्ति ग्रहण करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ 33 कोटि देवता हैं, मगर इनमें से अब हम क्या बात करें, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप की बात करें, इनमें से जिनकी कृपा से आध्यात्मिक उन्नति होती हो उनको सात्विक देवता कहते हैं। आध्यात्मिक उन्नति, जिनकी कृपा से आध्यात्मिक उन्नति होती हो उनको सात्विक देवता कहते हैं। जैसे कौन? राम, कृष्ण, दत्त, शिव, देवी, गणपति, ये सारे देवता क्या हैं? इनकी कृपा से आध्यात्मिक उन्नति होती है, तो ये क्या है? ये सात्विक देवता है। उसके बाद आते हैं राजसिक देवता। राजसिक देवता में कौन है? जिनकी कृपा से भौतिक उन्नति होती है। भौतिक उन्नति, भौतिक उन्नति यानी क्या? पैसा, वैभव, स्त्री, ये सारी चीजें है। और वो उसके देवता कौन कौन से हैं? तो कुबेर है, यक्ष है, किन्नर है, गंधर्व है, ऐसे अनेक देवता हैं जिनके विशिष्ट मंत्र हैं, उनकी विशिष्ट उपासना पद्धति है। वो उस हिसाब से अगर आप वो करेंगे पूजा, तो वो भौतिक लाभ आपको प्राप्त होगा। जिनके कारण कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती और जिनके कारण कोई भौतिक उन्नति नहीं होती अपितु दूसरों को हानि पहुंचती है, ऐसे देवता को क्या बोलते हैं? तामसिक देवता बोलते हैं। उसके अंदर कौन है? भूत है, पिशाच है, ये सारे देवता जो हैं वो उसके अंदर आते हैं। एक बात महत्वपूर्ण, सात्विक देवता कौन से मैंने कहा? जिनके कारण आध्यात्मिक उन्नति होती है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है? सात्विक देवता के अंदर आध्यात्मिक उन्नति ये मुख्य फल है, प्राइमरी बेनिफिट है। कौन सा? आध्यात्मिक उन्नति प्राइमरी बेनिफिट है। उसका बाय प्रोडक्ट क्या है? भौतिक उन्नति उसका बाय प्रोडक्ट है। भौतिक उन्नति उसका बाय प्रोडक्ट है, उसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास कीजिए, सात्विक देवताओं की उपासना कीजिए, भौतिक उन्नति अपने आप उस तरफ होते रहती। कैसे? जैसे शुगर मिल में क्या बनता है? शुगर मिल, साखर कारखाने आए कि नहीं झगड़े? तो काय तैयार होते? आणि काय तैयार होते? इधर शक्कर बनती रहती है और उस तरफ उस मोलैड से दारू बनती रहती है। दोनों बनते, बाय प्रोडक्ट क्या है? दारू। बाय प्रोडक्ट दारू है, मुख्य प्रोडक्ट कौन सा है? शक्कर। उसी तरह से यहां क्या है? आध्यात्मिक देवताओं की उपासना में मुख्य फल क्या है? आध्यात्मिक उन्नति है। और भौतिक उन्नति ऑटो, जैसे आम का वृक्ष लगाया, आम के वृक्ष का मुख्य उद्देश्य क्या, मुख्य उसका बेनिफिट क्या? तो आम का फल जो है वो प्राइमरी बेनिफिट है। मैं छाया जो है वो बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप मिल रहा। उसी तरह से सात्विक देवता की उपासना करने से आध्यात्मिक उन्नति ये प्राइमरी बेनिफिट है, और सेकेंडरी बेनिफिट क्या है? भौतिक उन्नति है। राजसिक देवता में प्राइमरी बेनिफिट क्या है? भौतिक उन्नति है। कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है वहां पर कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है, केवल भौतिक उन्नति है। और तामसिक में क्या है? प्राइमरी बेनिफिट भी नहीं है और बाय प्रोडक्ट भी नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं, भौतिक उन्नति भी नहीं, अभी तो तीसरे का नुकसान, तीसरे की हानि, ये जो है तामसिक है। इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि सात्विका यजन्ते सात्विका देवा, सात्विक श्रद्धा जिसकी होगी वो देवताओं की उपासना करता है। यक्ष रक्षांसि राजसाः, और राजस श्रद्धा जिसकी होगी वो यक्ष राक्षस वगैरह की उपासना करता है। प्रेतान भूतगणाचान्ये, अन्य जो है दूसरे लोग जो है वो प्रेतों की भूतों की वगैरह उपासना करते हैं, उनको तामसिक कहा जाता है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, तुम किसकी पूजा कर रहे हो ये अगर मैंने देख लिया, मैंने क्या देखा
कि अमुक व्यक्ति जो है रात में 12 बजे यहाँ पर भजन समाप्त होने के बाद सीधे संगम में स्मशान में जाता है, वहाँ जाके कुछ पूजा करता है, ठीक है, ये देखा। अब मुझका कि मेरा अनुमान क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये तामसिक व्यक्ति है, ये तामसिक, ठीक है। एक व्यक्ति है शाम के समय 7 बजे जो है वो कहीं पर कुछ दिए जला के, वो जला के, ये जला के यक्षों की, राक्षसों की वगैरह पूजा कर रहा, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, यक्ष है, गंधर्व है, किन्नर है, इनकी पूजा कर रहा, इसके ऊपर से मैंने क्या पता लगाया, वो कुछ लोग हैं जो यहाँ पर भगवद गीता सुन रहे हैं, उसमें से आधे जागे हुए हैं, आधे सोए हुए हैं। अब वो जो जागे हुए हैं उनकी श्रद्धा क्या है, उनकी श्रद्धा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप क्या है, भगवत गीता है, तो सात्विक है, और जो सोए हुए हैं उनकी नहीं, उनकी भी सात्विक है, क्योंकि जो है वो भी श्रद्धा से आए। अब नींद आ गई, एसी लगाए, नींद आ गई, तो उसमें कौन क्या कर सकता है, उसमें कौन क्या कर सकता है, वो स्वभाव वजह है, वो ऑटोमेटिक है, हो जाता है कभी कभी, उसमें कौन क्या कर सकता है, सात्विक है, सात्विक। तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप के ऊपर से हमने उसकी श्रद्धा कैसी है ये पता लगा, ठीक है। अब उसके बाद पांचवा और छठा श्लोक, ये दो श्लोक आज के अंतिम श्लोक है, आज यहाँ पर हम विषय को समाप्त करेंगे। जैसे ही मैं अंतिम श्लोक बोलता हूँ मेरे श्रोताओं के चेहरे के ऊपर एक विशेष प्रकार का तेज दिखाई देता है, विशेष प्रकार का तेज, तेज जो है ना, क्या मनता पदावली वगैरह था, क्या झड़के झड़ाला वगैरह आकर, तो तेज दिखाई दे। अंतिम श्लोक आज के अंतिम दो श्लोक, ठीक। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थम् भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थम् तान् विद्यासुरनिश्चयान्। तो यहाँ पर चौथे श्लोक में हमने जो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है, उपासना का जो विषय है, उसके ऊपर से श्रद्धा का पता लगाया। अब दो टेस्ट और बचे, कौन कौन से बचे, मोड ऑफ वर्शिप, वो किस प्रकार से पूजा करता है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप क्या, सात्विक है, प्रभु महाराज, प्रभु महाराज की उपासना करना, पूजा करना सात्विक है, किंतु वो पूजा का प्रकार क्या है, किस प्रकार से मैं प्रभु की पूजा करता हूँ, किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करता हूँ, किस प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा करता हूँ, उस प्रकार के ऊपर से फिर वो सात्विक राजस तामस हो जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप सात्विक है, मोड ऑफ वर्शिप अगर दूसरा हो गया तो फिर बदल जाता, और उसके बाद मोटिव ऑफ वर्शिप अगर बदल गया तो भी बदल जाता। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जैसे शुगर नॉर्मल है, डॉक्टर साहब शुगर नॉर्मल है, बीपी बहुत हाई है, उसको क्या बोलेंगे, हेल्दी बोलेंगे या बीमार बोलेंगे, शुगर नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल 500 तो भी प्रॉब्लम। देखिए हेल्दी आदमी का लक्षण क्या है, उसका शुगर भी कंट्रोल में होना चाहिए, उसका बीपी भी कंट्रोल में होना चाहिए, उसका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में होना चाहिए, सारे पैरामीटर्स नॉर्मल की कैटेगरी में आने चाहिए तो वो हेल्दी है, अन्यथा कहीं भी एक आध भी अगर गड़बड़ हो गया तो फिर गड़बड़ हो गई, पूरी की पूरी गड़बड़ हो गई। तो इसलिए ये समझना आवश्यक है, जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, मोड ऑफ वर्शिप और मोटिव ऑफ वर्शिप, ये तीनों भी सात्विक होने चाहिए तभी वो सात्विक होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप सात्विक है, प्रभु महाराज की पूजा कर रहा हूं, और प्रभु महाराज की पूजा करते समय त्याचा असा हो दे प्रभु कोणाच सुनेच किंवा सासूच
है ना, वह ना वो बहुत प्रसिद्ध संत वांग्मय में है, हाँ, सासू मां जी किर किर करते, हाँ, खरुज उदय तिला अंबाबाई रोटगा वाहिन तुला, नणदेच कारट किर किर करते, हाँ, नणदेच कारट किर किर करते, खरुज उदय तिला अंबाबाई रोटगा वाहिन तुला। आता अंबाबाई की उपासना, अंबाबाई की उपासना क्या सात्विक है, हाँ, देवी की उपासना सात्विक है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप सात्विक है, मोटिव ऑफ वर्शिप किस लिए उपासना कर रहे, रोटगा वाहिन तो रोटगा कशा साठी व्हायचं, नणदेच कारट किर किर करते खरुज होऊ दे, है ना। तो ये समझने की बात, ये तो ये बैलेंस जो है, जैसे हमारे हेल्थ के संबंध में हम कॉशस रहते हैं, ये बड़े मजाक की बात नहीं, मैं सीरियस बात बता रहा हूं, जैसे हम हमारे हेल्थ के बारे में कॉशस रहते हैं, थोड़ा सा भी अगर छाती में गैस के कारण भी दर्द हो गया तो हम जाके क्या करते हैं, 2D 3D 10D अगर एको होगा तो वो भी कर लेते आते, कलर डॉपलर सारा टेस्ट करके आएंगे, आते हैं कि नहीं। उसी तरह से अध्यात्म विद्या में हमारी श्रद्धा जो है उस विषय में भी हमको कॉशस रहना पड़ेगा, हमारे विचार किधर जा रहे, हमारा आचरण किधर जा रहा, हमारे शब्द किधर जा रहे, हमारी आदतें कैसी बन रही, इन सब के ऊपर हमको ध्यान रखना आवश्यक है। तो यहां पर, यहां इस पांचवें और पांचवा छठा श्लोक हमने एक साथ क्यों पढ़ा, इसलिए पढ़ा क्योंकि ये पूरा मिला के एक सेंटेंस बनता, पांचवा और छठा ये दोनों श्लोक मिलके एक कंप्लीट सेंटेंस बनता, क्योंकि पांचवा श्लोक हाफ सेंटेंस बनता। पांचवें श्लोक में भगवान ने कहा, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनः दंभांकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। ये पूर्ण वाक्य नहीं है, इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए भगवान कहते हैं, कर्षयन्त शरीरस्थम भूतग्राम अचेतसः माम चैवान्त शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। यहां पर तान विद्धि ये क्रियापद आने के बाद, ये वर्ब आने के बाद ये सेंटेंस यहां पर पूर्ण हुआ, ये कंप्लीट हुआ। इसका अर्थ ऐसा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं और जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह से युक्त है, देखिए संयुक्त का दंभ और अहंकार से अच्छी तरह से युक्त है, अरे क्या पूरी तरह से युक्त है, दंभ और अहंकार, जो भोग पदार्थ आसक्ति और हट से युक्त है, जो शरीर में स्थित पांच भूतों को अर्थात पांच भौतिक शरीर को तथा अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर निश्चय वाला समझ, ऐसा कहा। अब इसमें है इन दो श्लोकों के अंदर राजसिक और तामसिक श्रद्धा वालों का वर्णन कर रहे हैं। अब यहां पर दो चीजों का विचार करना है, क्या क्या, एक तो मोड ऑफ वर्शिप उपासना का प्रकार, और दूसरा क्या, मोटिव ऑफ वर्शिप यानी उसका उद्देश्य, किस लिए हम कर रहे हैं। और ये जो सब हो रहा है ये अशास्त्र विहितम, शास्त्र के अनुसार नहीं, शास्त्र के अनुसार होगा तो वो सात्विक ही होगा, कोई सवाल ही नहीं। ये सारा जो कुछ हो रहा है, देखिए ब्लड टेस्ट कराने के लिए कब जाते हैं, जब अशास्त्र विहितम आचरण हम करते हैं उसी समय ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए जैसा डॉक्टर साहब बता रहे, रोज सुबह उठ के एक सेब खाओ, हाँ, चावल मत खाओ, आलू मत खाओ, घी मत खाओ, तेल मत खाओ, दूध मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ, सिर्फ हवा के ऊपर रहो तो फिर हेल्दी रहोगे आप, चार बादाम खाओ, एक कप दूध पियो, प्राणायाम करो, शीर्षासन करो, अमुक करो, तमुक करो, शास्त्र ने जैसा बताया वैसा अगर कर रहे हैं तो फिर सात्विक राजसिक तामसिक को देखने की जरूरत है, वो सब सात्विक ही है। अशास्त्र विहितम घोरम भगवान कहते हैं, अशास्त्र विहित जो शास्त्र में नहीं है, जिसकी शास्त्र ने आज्ञा नहीं दी है, ऐसा काम जब तुम करते हो तो क्या हो जाता है, तप्यन्ते ये तपोजनाहा, ये लोग जो है अशास्त्र विहित घोर प्रकार का तप करते हैं, अशास्त्र शास्त्र में नहीं है वो घोर प्रकार का तप करते हैं। घोर यानी क्या,
भयंकर प्रकार, भयंकर प्रकार। आपने हमारे उत्सव में देखा हो, प्रभु महाराज के जयंती उत्सव में वो कुछ साधु लोग आते, ठीक है। अब वो घोर प्रकार का तप कैसा होता, वो लोहे की उनके पास सुइयां होती, लोहे की सुइयां होती, यहां से घुसाता यहां से निकालता, देखा आपने, हाँ। और वो थोड़े साधु ऐसे होते हैं, वो चप्पल उनके जो खड़ाऊ होते हैं उसके ऊपर कीले कीले होते, वो कीलों वाले पादुका के ऊपर खड़ाऊ के ऊपर खड़ा रहता, ठीक है। अब घोर तप कर रहा हूं, घोर तप खिड़े ठोकले असते हो पादुका मेरे ऐसे खिड़े असतात त्याच्यावर तो उभा राहतो, और सामने एक डब्बा रखा हुआ होता, मोटिव क्या, भिक्षा। इतना तप, अरे इतना तप परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या होता, तो परमात्मा प्राप्त हो जाता। इतना तप परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया होता तो अब तक परमात्मा प्राप्त हो जाता। वो सामने भिक्षा पात्र रखता हो, सामने भिक्षा पात्र रखता है, तो मोटिव क्या है उसका, लोग देखें मेरे तप को और भिक्षा डाले। ये सब किस लिए, ये सब किस लिए, दंभ अहंकार संयुक्त, दंभ और अहंकार के कारण, दंभ और अहंकार के कारण। दंभ यानी क्या, दंभ, दंभ शब्द का अर्थ ऐसा है जो मैं नहीं हूं, जो मैं नहीं हूं वो हूं ऐसा दिखाना, इसका नाम क्या, दंभ। जो मैं नहीं हूं वो हूं ऐसा दिखाना, इसको कहते हैं दंभ। बहुत से लोग होते, बहुत से तो क्या उदाहरण, उनको अंग्रेजी नहीं आती बोलने को, उनको अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी बोलने नहीं आती। मैं जब चार लोगों के अंदर जब जाते हैं तो या। अथवा पत्नी से कम 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 वो सिट, तीन के अलावा चौथा शब्द नहीं आता, और वो सभा के अंदर जब जाता है तो अपने पर कम 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 निश्चय कर लोगों कह रहे अरे ये लंदन से पढ़ के आए, ये दंभ है, ये दंभ है। आपको अंग्रेजी नहीं आती तो ये दिखाना चाहते हैं आपके हमको अंग्रेजी आती है, तो दंभ। आप देखिए बहुत से लोग जो है ना शादी में पार्टी में, अब पार्टी में जब जाते हैं तो महिलाएं वो अनेक प्रकार के आभूषण, अनेक प्रकार के हीरे की माला, मोती की माला, नीलम पुखराज वगैरह की मालाएं ऐसी पहनती। तो एक बार मैंने देखा किसी फोटो में देखा, मैं किसी पार्टी में जाता नहीं तुम्हें महाराज तुम्हें कहीं पार्टी के फोटो फोटो में देखा कि एक कोई महिला जो है हीरे का नेकलेस पहन के, मुझे मालूम नहीं, मैंने पूछा किसी से कि भाई ये हीरे का इतना बड़ा नेकलेस अब ये इसकी कीमत तो करोड़ों रुपए में होगी, बोले महाराज 125 रुपए में मिलता ये लक्ष्मी रोड पर या तोशी बाग में ये 125 रुपए में मिलते हैं, बिल्कुल ऐसा यहां से लेके यहां तक हीरे 125 रुपए में, हाँ बोले 125 नहीं 130 रुपए में आड़ूंगा। तो क्या है वहां पर, वो जो महिला ने वो पहना हीरे का हार, वो वास्तविक था क्या, सच्चा था क्या, उसकी हैसियत थी क्या हीरे का हार पहने, नहीं है, मैं वो दिखाना चाहती थी, क्या दिखाना, मैं करोड़पति हूँ। तो उसने क्या किया, लक्ष्मी बाग में से तुलसी बाग में से 100 रुपए का हार लिया, गले में पहना, लोगों को दिख रहा क्या, दंभ। उसी तरह से लोग जो है पूजा का भी दंभ करते, वास्तव में श्रद्धा नहीं होती, वास्तव में भक्ति नहीं होती, कोई देख रहा है तो आंखें ध्यानस्थ हो जाते। बहुत से धार्मिक आयोजन होते घर में, सत्यनारायण की पूजा, कई नवरात्र की पूजा, घर में अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान होते। तो आजकल क्या हो गया है, वीडियो वाले को बुलाने की सब तरफ परंपरा, वीडियो वाला ये किरण हर जगह पहुंचता। अब जैसे ही वो शूट कर रहा है मान लो, हाँ शूट कर रहा, अब वो क्या पति और पत्नी दोनों बैठ के पूजा करते, सत्यनारायण जी पूजा, हाँ
तो शूट कर रहा, तो पति का ध्यान जो है वो मतलब घर में मेहमान आए वो आए ये सब लोग आए, तो कभी इधर देखता कभी उधर देखता कभी उधर देखता, इस तरह से उसका चलता रहता। वो पत्नी का ध्यान वीडियो की तरफ होता, आओ इकड़े बगा, आओ इकड़े बगा, आओ इकड़े बगा, जैसे ही वो आओ इकड़े बगा उस समय वो बिल्कुल भक्ति युक्त हो जाता, नारायण नारायण होता है कि नहीं खरे सांगा। उसको दम कहते, उसको दम, वो दम है, इकड़े बगा आओ इकड़े बगा, कैसा ना इकड़े तो फोटो काटते है वीडियो काटते है, तो इकड़े बगा इकड़े बगा फोटो काटते है, उन्होंने इकड़े बगा का है दम है। एक्चुअली उसका ध्यान पूजा नहीं होना चाहिए, जब वो फूल चढ़ा रहा है केशवायन महानारायण माधवायन गोविंद, उसका ध्यान परमात्मा के ऊपर होना चाहिए, उसका ध्यान कहीं और है। और पत्नी उसको उकसाती इधर इकड़े बगा इकड़े बगा इकड़े, तो पत्नी भी ऐसे हाथ जोड़ के बैठे, जैसे ही कैमरा वाला उधर गया दम्भ दम्भ। और दूसरा क्या, अहंकार, दम्भ और अहंकार। अहंकार यानी क्या, अहंकार यानी अपने आप को बड़ा समझना, इन्फ्लेटेड। गुब्बारा होता क्या, नहीं गुब्बारा फुगा, फुग्गे का उदाहरण जो है सबसे अच्छा उदाहरण अहंकार का फुग्गा है। अहंकार यानी क्या, हवा भरा हुआ फुग्गा। अहंकार यानी क्या, हवा भरने ला, उसकी हैसियत कितनी है, एक पिन। उस अहंकार की कीमत कितनी है, एक दासनी बस पूरे एक सेफ्टी पिन टच मन के लगे और उतनी ही उसकी कीमत। ये जो श्रद्धा का हम प्रदर्शन करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, आयोजन करते हैं, वो दंभ और अहंकार को लेकर करते हैं। तो जब हम जाते हैं कहीं पर, आज हम चाहे घरी सत्यनारायण की पूजा है, या अब सत्यनारायण क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप क्या है, सात्विक है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप सात्विक, मोड ऑफ वर्शिप। अब सारे घर को लाइटिंग किया, सामने बड़ा शामियाना है और पेंडाल है और बुफे का खाना है, खाने में अनेक तरह की सब्जियां, अनेक तरह की चटनियां, अनेक प्रकार की मिठाइयां, हाँ तवा 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 पनीर, इनको मालूम, ये बहुत, ये स्टूडेंट हमारा, ये हमारा स्टूडेंट बहुत अच्छा, बिल्कुल जहाँ शब्द कम पड़ता है वहाँ पहुँचा देता है। वो तवा पनीर, वो पनीर, ये पनीर, शाही पनीर, और जो है आयोजन लगा हुआ है। जैसे ही हमने ये देखा, क्या ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप सत्यनारायण है, मोड ऑफ वर्शिप तवा पनीर का दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये दम्भांकार संयुक्त है, ये दम्भ है अहंकार है, दम्भ अहंकार। या तो इसकी श्रद्धा राजस होगी या तामस होगी, सात्विक तो कदापि नहीं हो सकती। समझ में आई बात, तो ऐसे पहचान, ये टेस्ट है, भगवान टेस्ट बता, कैसे पहचाने श्रद्धा कैसी है, ये दूसरों का पहचान नहीं, अपना ही पहचान है। हम अगर सत्यनारायण की पूजा करते हैं तो किस तरह से करते हैं, हम हमारे घर में बाप का श्राद्ध करते हैं किस तरह से करते हैं, हम हमारे घर में नवरात्र करते हैं किस तरह से करते हैं, हम माणिक नगर आते हैं तो किस तरह से रहते हैं, ये सारा हम अपने आप देखें और उसको देख के फिक्स करें हम कि ये जो मुझसे हो गया ये राजसिक हो गया, ये तामसिक हो गया, ये अपने आप टेस्ट करें। जैसे डायबिटीज वाला, आज पता नहीं क्यों डॉक्टर साहब सामने बैठे, मुझे वो रोग के उदाहरण है, जैसे डायबिटीज का मरीज है, डायबिटीज का मरीज है, अब जैसे उसने गुलाब जामुन खाया, खाने के बाद उसको लगता है, मुझको तो लगता, अरे अपना चुप रहे खा लेना, खाता ना कहीं बांटते, खाने के बाद, खाने के बाद मुझको तो कम से कम एक पिंच होता है, एक मतलब चुकला अपना रखो होते अनावश्यक खा ला, ऐसा लगता है। तो ऐसा लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। और क्या, और काम राग बलान्विता, और क्या, काम और राग से, कामनाओं से ग्रस्त होकर जो पूजा जो उपासना जो अनुष्ठान हम कामनाओं से ग्रस्त होकर करते हैं, उसका उद्देश्य जो है मोक्ष नहीं है, उसका उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति नहीं, वो केवल अपने धन का प्रदर्शन, अपनी सत्ता का प्रदर्शन, अपनी महिमा का प्रदर्शन करने के लिए है, उसका उद्देश्य जो है वो मोक्ष नहीं है। पुराणों में अनेक प्रकार की तपस्याओं का वर्णन है, अनेक प्रकार की तपस्याएं, हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की,
हिरण्यकश्यप ने तपस्या की। कैसा था वो? कामराग बलान्विता। किस लिए तपस्या की? किस लिए? उसने ऐसी मृत्यु मांगी हिरण्यकश्यप ने। बोला क्या? मैं न सुबह मरूं न शाम मरूं, न अंदर मरूं न बाहर, न मनुष्य से मरूं न पशु से, न हथियार से मरूं न जहर से मरूं। इस तरह से अनेक चीजें, अनेक कामनाएं उसने की। कामराग बलान्विता, ऐसा उसने तप किया, उसका फल भी उसको मिला। न अंदर न बाहर मरेगा, न दिन में न रात में, न मनुष्य से न पशु से, न हथियार से न वृक्ष से, इस तरह से। तो क्या हुआ? उसका वध करने के लिए भगवान को ये सारी कंडीशंस को जो है बाईपास करते हुए नरसिंह रूप धारण करके उसको दरवाजे की चौखट के ऊपर नाखून से मारना पड़ा। रावण, रावण ने तपश्चर्या की, रावण ने तपश्चर्या की, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, बोले जो मांगता मांग लो। क्या मांगा उसने? हा? उसने कहा पार्वती दे दे। कथा है शिवपुराण में, शिवपुराण में ऐसी कथा है, रावण ने पार्वती को मांगा। कामराग बलान्विता। और सबसे सुंदर कहानी भस्मासुर, भस्मासुर, भस्मासुर ने तब किया। क्या मांगा उसने? मैं जिसके सिर के ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो। ठीक है, अब मिल गया वर, अब उसको टेस्टिंग करना पावर का। वो किसके सिर के ऊपर हाथ रखने के लिए चला? भगवान शिव के सिर के ऊपर। भगवान शिव के सिर के ऊपर हाथ रखने के लिए चला, तब जो है वो मोहिनी का जो है ये करके उसको किसी तरह से धोखा दे के जो है बेचारे को उसको उसके साथ फ्रॉड हो गया। किसके साथ? भस्मासुर के साथ। उसको धोखा दिया, उसको धोखा दे के अपने ही सिर के ऊपर हाथ रखने लगा। खैर जो भी हुआ, तो ये कामराग बलान्विता, ये ऐसे जो तप है उसको वो प्राप्त हो जाए, मुझको ये प्राप्त हो जाए, अमुक प्राप्त हो जाए। हम लोग भी करते तपस्या, हम लोग भी तपस्या करते। क्या? अडानी जैसी संपत्ति मुझको प्राप्त हो, अंबानी जैसी संपत्ति प्राप्त हो, अमुक हीरोइन जैसी पत्नी प्राप्त हो, करते करते तपस्या। वो जो है अंततः क्या है? वो दंभांकार संयुक्त है और कामराग बलान्विता, कामराग के बल से अन्वित होने के कारण वो त्याज्य है। ऐसा अगर है तो फिर वो राजसिक या तामसिक आसुरी होगा। और अंत में भगवान ने बहुत बड़ी बात कही है। ये जो घोर तप करने वाले लोग हैं, घोर तप का है, महाराज 7 दिवस वेदांत सप्ताह में पाण्याशिवाय में दूसरा का ही घृणा में घोर तप। ऐसों के लिए भगवान कहते कर शयंता, शरीर को पीड़ा देते हुए, शरीर को पीड़ा देना, ये जो है ये राजसिक और तामसिक है, सात्विक नहीं। ऐसा है कि शरीर का अनावश्यक लाड़ करना ये गलत है। शरीर का अनावश्यक लाड़ करना, अनावश्यक लाड़ करना यानी क्या? उसको 3 बार 3 तरह के पाउडर लगा के, 4 बार 4 तरह के फेस पैक लगा के धोना, ये अनावश्यक लाड़। शरीर को, मुख को धोना ये अच्छी बात है, किंतु उसको सुबह एक प्रकार का क्रीम, दोपहर में एक प्रकार का क्रीम, सोते समय एक प्रकार का क्रीम, और उसके बाद फिर टमाटर और काकड़ी, अरे जो मुंह में डालने की चीज है, खाने की चीज है, वो आंखों के ऊपर रख के। तो शरीर का अनावश्यक लाड करना ये गलत है, किंतु शरीर को अत्यधिक तपाना ये भी गलत है। भगवान का शरीर को अत्यधिक तपाना ये भी गलत है। महीने में 2 बार एकादशी, एक हाथ सोमवार एक हाथ गुरुवार का उपवास ठीक है, किंतु महीना भर उपवास, श्रावण मास भी उमड़ कुछ नहीं खाते हम श्रावण मास में, ये गलत है, ये राजसिक तामसिक है। तो इसलिए, और उसमें भगवान ने कारण ये दिया है, भगवान ने बड़ा सुंदर उदाहरण, ऐसा है कि अंदर जो मैं बैठा हुआ हूं तुम्हारे अंदर, उसको तुम पीड़ा पहुंचाते हो। कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसः, भगवान कहते हैं माम चैवांत शरीरस्थम तान विद्धि आसुरा आसुर निश्चयान, तो
मैं जो तुम्हारे शरीर के अंदर रह रहा हूं उसको तुम पीड़ा पहचाते हो इस तरह के काम करके। मान लीजिए आपके घर में मेहमान आ गया, लक्षण होने का लास्ट टाइमर का संभलो। आपके घर में मेहमान आ गया, ठीक है, मेहमान आ गया, आपने डिक्लेयर कर दिया क्या आज संकष्टी आहे, जैसा हमने किया आज किया, अरे मेहमान क्या आप लोगों के साथ किया ना हमने आज क्या, आज संकष्टी आहे, मार्तंड माणिकप्रभू महाराजांची पुण्यतिथी आहे, चंद्रोदय झाल्याशिवाय जेवण करायची परंपरा नाही, म्हणून आज भंडार खाण्याला सुट्टी। तो क्या हो जाएगा, वो जो मेहमान आया है उसको पीड़ा होगी क्या नहीं, उसको पीड़ा होगी उसको बिचारे को। उसी तरह से भगवान कहते हैं माम चैवान्त शरीरस्थम, मैं तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा हूं, तुम जो अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाते हो उससे मुझे तकलीफ होती है, इसलिए तुम टाइम के ऊपर खाते जाओ, इसलिए तुम टाइम के ऊपर खाओ। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम आद्यम, धर्म का सबसे पहला साधन क्या है, शरीर है। किंतु बहुत से लोग जो आसुरी और राजसी श्रद्धा वाले लोग होते हैं वो अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाते हैं, वो अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाते हैं, और इसलिए जो है उनके शरीर के अंदर रहने वाला जो परमात्मा है माम चैव कर्षयन्तः, वो मुझे भी पीड़ा पहुंचाते हैं। देखिए कि हमारे यहां इस शरीर के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात, देहो देवालय प्रोक्त सजीव केवल शिव त्यजेद ज्ञान निर्माल्यम सोहम भावे न पूजये, कितनी सुंदर बात है। मैत्रेयी उपनिषद का मंत्र है, देहो देवालय प्रोक्त, ये शरीर क्या है, ये देवालय है, एक मंदिर है, और इस मंदिर में रहने वाला देवता कौन है, सजीव केवल शिव, इस मंदिर में रहने वाला देवता जो है वो कौन है, जीव है, वो जीव ही शिव है, वो जीव ही शिव है, वो इस शरीर में रहता है। त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम, मंदिर में सबसे पहला काम पुजारी क्या करता है मंदिर खोलने के बाद, निर्माल्य का विसर्जन करता है। निर्माल्य यानी क्या, निर्माल्य यानी कल जो फूल चढ़ाए थे, कल जो बिल्व पत्र अर्पित किए थे उनको निकाल के साफ कर, मंदिर के अंदर जो फूल पत्ते वगैरह पुराने हैं उनको निकाल के साफ करना, इसको निर्माल्य निकालना कहते हैं। हम घर में भी भगवान का फोटो है उसको हमने माला पहनाई, कल क्या, कल तो प्रभु के चित्र को हमने माला पहनाई, आज क्या हो गया, आज वो निर्माल्य होगा, आज उसको निकाल के हमको फेंक देना है। त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम, तो ये जो मंदिर है इस मंदिर के अंदर जीव रूपी जो देवता है उसके ऊपर से हमको क्या निकाल के फेंकना है, अज्ञान निर्माल्यम, और सोहम भावे न पूजयेत सह अहम, वो परमात्मा मैं ही हूं, इस भावना से उसकी पूजा कर। कल हमने वहां आराधना में पद गाया बड़ा सुंदर, क्या हंस सोहम सोहम हमसा अजप जप सद ब्रह्म प्रकाशा, तो हमसा सोहम सोहम हमसा, इसको अजप जप कहते, अहम सह, अहम यानी मैं, सह यानी वो परमात्मा, अहम यानी मैं, सह यानी वो, अहम सह, सह अहम, वो क्या है, वो मैं। जब हम सांस लेते हैं, सांस तो सांस लेते हैं हम सह सोहम, ऐसी ध्वनि, लंबी सांस लेके देखिए, लंबी सांस लेके देखिए उसकी आवाज सांस की कैसी बनती है, हम सह सोहम, ऐसी आवाज बनती है, ठीक है, उसको अजपा जब कहे, ये भगवान ने मैं जीव जो है वो परमात्मा स्वरूप है इस बात का मंत्र जो है वो ऑटोमेटिकली फिट करके रखा, आप माने न माने वो ऑटोमेटिक बोलता रहता, वो ऑटोमेटिक बोलता रहता है, वो हम सह सोहम। तो इस बात को भूलकर, इस बात को भूलकर अहम वैश्वानर भूतवा प्राणिना, देखिए अब टाइम हो गया, दो बज गए, अब अगर मैं आप लोगों को ज्यादा देर तक यहां बिठाऊंगा तो मेरा अपराध क्या हो जाएगा, आपके अंदर बैठे हुए प्रभु को मैं पीड़ा पहुंचा दूंगा। अहम व
वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं। भगवान कहते हैं स्वयं कि प्राणियों के देह का आश्रय लेकर प्राणियों के देह के अंदर मैं रहता हूं। कहां रहता हूं? प्राणियों के देह के अंदर। वहां रहकर क्या करता हूं? प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं। ये चार प्रकार का अन्न खाता है मनुष्य। चार प्रकार के अन्न कौन से? चबा के खाने लायक चीज है, यानी क्या? रोटी चबा के खाने लायक चीज, चबा के खाने। दूसरा क्या? निगलने, गुड़ुम निगलने की चीजें। तीसरा क्या? चाटने की चीजें। चाटने की चीज कौन सी? आम्रखंड, आम्रखंड। और चौथा क्या? पीने की चीज, पेय। भक्ष्य भोज्य चोष्य लेय पेय, ऐसे चार छह प्रकार के अन्न होते हैं, उन सबको ये खाता है। अच्छा, और जो खाना चाहिए वो भी खाता है, जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाता है। इस सबको पचाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? आप कर सकते हैं क्या? आपके अंदर है क्या कोई ताकत कि ये हमने आज इतना खाया इसको मैं पचाऊंगा, ऐसा निश्चय पूर्वक बता सकते हैं? नहीं। वो पचाने का काम किसका है? अहम वैश्वानर हो भूत। वैश्वानर बन के जो प्राणियों के देह के अंदर बस गया है, रह गया है, उसका वो काम। इसलिए भगवान कहते हैं अहम वैश्वानर हो भूत प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो आपके अंदर, आपके हृदय में, आपके देह का आश्रय लेकर वो प्रभु परमात्मा बैठा हुआ, ठीक है। अब वो प्रभु परमात्मा, अब 2:10 हो रहे, अब हमने करीब 1:40 तक बात की। अब इससे ज्यादा अगर मैं बोलूंगा तो आपके अंदर बैठे हुए प्रभु परमात्मा को पीड़ा शुरू हो जाए। प्रभु को पीड़ा देने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए इस विषय को आज यही रोकता हूं। आप लोग फलाहार कीजिए, आज संकष्टि है, तो जो भी भंडार खाने में प्रसाद उपलब्ध है उसका आप आनंद लीजिए। आपके अंदर बैठे हुए प्रभु को थोड़ा सा तृप्त कीजिए, थोड़ी विश्रांति लीजिए। 4 मार्तंड माणिक्य महाराज की पुण्यतिथि का कार्यक्रम होगा, नित्य के अनुसार 8:30 भजन प्रवचन का कार्यक्रम होगा, और फिर कल दोपहर में ठीक 12 हम लोग यहाँ मिलेंगे। अवधूत चिंतन।